हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्लिंग प्रभास, अमिताभ बच्चन जी, कमाल हसन जी और दीपिका पादुकोण की मच वेटेड अपकमिंग मूवी कालकी को लेकर। फ्रेंड, मैंने आपको बार बार बता रखा है अपनी वीडियोस में कि जब भी कोई मूवी सॉन्ग ट्रेलर आता है, सबसे पहले उसका अप्रूवल लिया जाता है कहाँ से? CBFC मेंबर्स के पास से। CBFC मेंबर्स वो चीज़ देखते हैं, सॉन्ग और ट्रेलर और मूवी हो, वो आपका मटेरियल देखते हैं, उस पर अपनी सजेशन देते हैं। अगर कोई चीज़ कट करानी हो तो सीन कट कराते हैं, नहीं तो अपना अप्रूवल देते हैं, तब वो चीज रिलीज होती है हमारे तक। यही कारण है कि किसी भी चीज का, चाहे वो सॉन्ग हो, ट्रेलर हो, मूवी हो, सबसे पहले रिव्यू कहां से आता है? CBFC मेंबर्स के पास। अब हम सबको पता है कि कालकी का मच वेटेड ट्रेलर हमें कल मुंबई में इवेंट में देखने को मिलेगा। इस मच वेटेड ग्रैंड ट्रेलर का CBFC से अप्रूवल ले लिया गया है और CBFC के जो फर्स्ट रिव्यूज है मेंबर्स के, वो भी हमारे सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके हर लैंग्वेज के अलग अलग CBFC अप्रूवल लिए जा रहे हैं। तेलुगु लैंग्वेज का अलग CBFC अप्रूवल लिया जा रहा है, जबकि हिंदी लैंग्वेज का, नॉर्थ बेल्ट का अलग इसका CBFC अप्रूवल लिया जा रहा है। अब भी जो रिव्यू हमारे सामने आ रहा है वो CBFC हिंदी मेंबर का आ रहा है। अब क्या कहना था उनका, हम आपको आज वीडियो में एज इट इज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, CBFC मेंबर्स ने सिर्फ 4 वर्ड्स में कालकी ट्रेलर को रिव्यू देते हुए कहा है कि इंडियन सिनेमा इज इंडीड चेंजिंग। यस फ्रेंड्स, ये उनकी वर्डिंग थी कि इंडियन सिनेमा इज इंडीड चेंजिंग। हम सबको पता है कि कब से लोग बात कर रहे हैं कि कालकी मूवी से आपका इंडियन सिनेमा चेंज हो जाएगा, आपके पास एक न्यू जॉनर आ जाएगा, साइंटिफिक फिक्शन मूवीज बनाने वाला, जहां पे फिर तेलुगु स्टेट से भी और मूवीज बनेंगी, जबकि नॉर्थ से भी और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा इस जॉनरा पे। तो कालकी के जो ट्रेलर देखने के बाद CBFC मेंबर्स ने कहा है, उनका कहना है कि इंडियन सिनेमा इज इंडीड चेंजिंग, यानी जो जो बस हमने ऑलरेडी सुन रखी है कालकी मूवी के बारे में, वो सब कुछ ट्रेलर में देखने को मिलेंगी। फ्रेंड, वैसे तो ये सिर्फ 4 वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं कि इंडियन सिनेमा इज इंडीड चेंजिंग, लेकिन ये 4 वर्ड्स इनफ हैं इस मूवी का बस बनाने के लिए, प्रभास अन्ना के डाई हार्ड फैंस को और ज्यादा एक्साइट करने के लिए कि जो हम सब का ख्वाब है, जो नाग अश्विन का विजन है कि इंडियन सिनेमा को एक उस लेवल पर ले जाए जहां पर हॉलीवुड को टक्कर दे, वो आई थिंक, आई एम श्योर, ट्रेलर के बाद हमें देखने को मिलेगा। आप नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग उठा के देख लें, आप बाकी यूरोप की जो लिमिटेड लोकेशन पर इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है वो रिस्पॉन्स उठा के देख लें, बिल्कुल फाड़ू रिस्पांस इस टाइम कालकी मूवी को मिल रहा है। और अभी तक कुछ कंटेंट शेयर नहीं किया गया, अभी तक आपका ट्रेलर नहीं है, अभी तक आपका भैरवा इंट्रो सीन नहीं है, अभी तक आपके पास कालकी के सॉन्ग्स नहीं है। तो आप इमेजिन करें, जब इसके सॉन्ग्स आएगा, ट्रेलर आएगा या भैरवा का कैरेक्टर फुल आएगा, तब इसका बस किस लेवल पर जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे रिव्यूज सुनने के बाद मैं पर्सनली तौर पर बहुत ज्यादा एक्साइट हो चुका हूं कल के ट्रेलर के लिए। और एक चीज अब यहां पर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि भाई साहब, RIP ऑल रिकॉर्ड्स बाय बिग मार्जिन। जो ऑलरेडी प्रभास अन्ना के रिकॉर्ड्स थे, जो उन्होंने ऑलरेडी इन सिनेमा में क्रिएट किए हुए हैं, वो रिकॉर्ड्स वो कालकी मूवी से काफी बड़े मार्जिन से तोड़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो नेगेटिव लोग, जो एक्टर्स कह रहे थे कि मुंबई में कालकी की प्रमोशन नहीं की जा रही, नॉर्थ बेल्ट में हिंदी लैंग्वेज में कालकी का कोई बज नहीं है, आप सिर्फ कल ट्रेलर का वेट कीजिएगा, कल ट्रेलर मुंबई में लॉन्च किया जाएगा, आप सिर्फ फैंस की तादाद देखिएगा, जो रेबल स्टार्स, जो डार्लिंग फैंस हैं, उनकी सिर्फ कल भीड़ देखिएगा आप, जो हेटर्स हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, कल ही उन्हें करारा चांटा मिलने जा रहा है। तो फ्रेंड, कितना एक्साइटेड आप कालकी ट्रेलर को लेकर कांडी कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।